आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कोचिंग सेंटर जेपी कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 11 का त्रिकोणमिति फलन बनने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे कोणों की माप किस प्रकार की होती है। तो कोणों की माप के लिए दो टॉपिक होते हैं। पहला नंबर कोणों की माप, तो कोणों की जो माप है वो दो प्रकार से की जाती है बेटा। पहला नंबर जो है वो डिग्री में माप की जाती है और दूसरा नंबर पॉइंट जो है आपके पास वो रेडियन में माप की जाती है। रेडियन और डिग्री में, रेडियन का साइन सी शेप में होता है। अब डिग्री और रेडियन के बीच एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है बेटा, वो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अगला नंबर पॉइंट क्या है बेटा, जब आपसे ये कहा जाए कि डिग्री माप को रेडियन में बदलिए, क्या बोला जाएगा? डिग्री माप को रेडियन में बदलिए। तो रेडियन में बदलने के लिए आपको करना क्या है, रेडियन में बदलने के लिए जो डिग्री माप है आपके पास, डिग्री माप गुणा कितना कर देना है, पाई और बटे में 180 डिग्री। तो जैसे ही आपको कोई भी अगर डिग्री माप दी जाती है उसमें आपको पाई से गुणा और 180 से भाग कर देना है, फिर ये मान काय में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। काय में बदलेगा, जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे आपको अगर 60 डिग्री कहीं पर मान दे रखा है और 60 डिग्री को आपको रेडियन बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 60 डिग्री में पाई से गुणा करेंगे और 180 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जीरो से यार जीरो कट हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे, 6 3 18, यहाँ कितना आएगा, पाई बटे 3। ये क्या हो जाएगा, रेडियन माप। कितनी हो जाएगी, रेडियन माप। अगर आपसे एक बार यहाँ से बोला जाए, अगला नंबर टॉपिक क्या बोला जाता है बेटा, अगला पूछा जाएगा आपसे कि रेडियन माप को डिग्री माप में बदलिए, डिग्री माप में बदलिए। तो डिग्री माप में आप उसको कैसे बदलेंगे बेटा, रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने के लिए क्या करना होता है बेटा, इसका अपोजिट, क्योंकि हम यहाँ डिग्री से रेडियन बना रहे थे, अब रेडियन से डिग्री बना रहे हैं, तो इसका उल्टा क्रम होगा, 180 से गुणा और पाई से क्या हो जाएगा, भाग। तो जो भी आपके पास होगा 180 से क्या करना है बेटा, जो आपके पास रेडियन माप होगी, यहाँ लिखेंगे आप रेडियन माप और क्या करेंगे, 180 से गुणा और पाई से क्या कर देंगे बेटा, भाग कर देंगे। ये कायम मान बदल जाएगा बाद में डिग्री में, काय बदल जाएगा बेटा, उसके बाद ये मान डिग्री बदल जाएगा। आपको एक चीज और याद रखने वाली है बेटा, जब भी आपको 1/π दिखाई देगा, यहाँ पे जब आपको 1/π दिखाई दे तो आपको क्या करना है, जैसे पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ 22/7 आप मान रखेंगे, तो ये जो नंबर है ये काय में, यहाँ पे नंबर भाग में नंबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 / कितना लिखेंगे, 22/7, ऐसे ही तो लिखेंगे, तो 1 वैसे का वैसा डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई और 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, तो 1/π का मान हमेशा क्या होगा बेटा, 7/22, क्योंकि 1/π का मतलब क्या है, उल्टा क्रम होना, पाई का मतलब होता है सीधा सीधा 22/7 और 1/π का मतलब होता है 7/22, ठीक है। अगला नंबर टॉपिक यहाँ पे क्या है बेटा, अगला नंबर पॉइंट आपको याद रखना है कि एक डिग्री जो होता है, एक डिग्री में बेटा 60 मिनट होती है, क्या होती है, मिनट, और मिनट के लिए साइन होता है, तो ये क्या, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है बेटा, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है, कितना होता है, 60 सेकंड होता है। अब यहां पे याद रखने वाली बात क्या है, जब भी आपको डिग्री को मिनट में बदलना, तो मिनट में जब भी आपको बदलना है, जैसे कोई भी डिग्री दे रखा है और आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो उसमें 60 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे बेटा, 60 का गुणा कर देंगे केवल। जब भी आपको कोई भी डिग्री मान दिया जाए और डिग्री मान को आपको मिनट में बदला हो, तो 60 का क्या कर देंगे, उसमें गुणा। अगर आपको मिनट से डिग्री बदलना है, मिनट से डिग्री में बदलना, अगर आप डिग्री से मिनट में जाते हैं तो 60 से गुणा, और मिनट से डिग्री में जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, 60 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 60 से भाग। अगर आपसे बोला जाए कि मिनट से सेकंड में बदलो, मिनट से क्या बनाना है बेटा, आपको सेकंड बनाना है, तो मिनट से सेकंड बनाने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा, 60 का आप गुणा कर दीजिए, तो जितनी भी मिनट आपको दी जाए, 2 मिनट है तो 2 में 60 का गुणा कर दो, 3 मिनट है 3 में 60 का गुणा कर दो, 4 मिनट है 4 में 60 का गुणा कर दो, वो काय बदल जाएगा, सेकंड बदल जाएगा। अगर आप सेकंड से मिनट में आना चाहते हैं, सेकंड से अगर आप मिनट बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, कितनी चीज आप निकली।
आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रेडियन माप में बदलिए, आपको डिग्री माप दे रखे हैं तो आपको रेडियन बदलना है, और जिन डिग्री के साथ आपको मिनट वाली वैल्यू दे रखी है, जैसे ये हो गया 40 डिग्री 20 मिनट, ये हो गया बेटा -47 डिग्री 30 मिनट, तो जो मिनट वाले जो आपको मान दे रखे हैं, मिनट वाले मानों को आप सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद रेडियन वाले मानों में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ कितना दे रखा है बेटा 40 डिग्री 20 मिनट आपको दे रखा है, तो आप सबसे पहले 40 डिग्री तो आपके पास पूरा 40 डिग्री है ही है, और प्लस ये क्या है 20 मिनट, तो 20 मिनट को आप सबसे पहले काय में कन्वर्ट करेंगे बेटा डिग्री में, तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए अभी लिखवाया बेटा, मिनट से डिग्री में बदलने के लिए आपको क्या करना है 60 का भाग करना है, तो आप इसमें 60 का क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 बन जाए 2 और 2 3 जाए कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ आएगा 40 और प्लस 1/3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 कंप्लीट 1/3 सीधा सीधा, या कोई आप गुणा कराएं कितना आएगा 120 और 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 121/3, अब ये क्या बन गया डिग्री बन गया, क्या बन गया डिग्री। अब डिग्री से रेडियन बदलना है, तो डिग्री से रेडियन बदलने के लिए क्या करते थे बेटा 180 से भाग और पाई से गुणा, तो पाई से गुणा और 180 से क्या कर दिया हमने भाग कर दिया, तो ये क्या बदल गया रेडियन में, तो रेडियन बदलेगा 0 से 0 काट हो जाएगा 6 2 12 और 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो ऊपर क्या आएगा बेटा 2 पाई और नीचे क्या आ जाएगा 3 3 9, और ये क्या बन गया बेटा रेडियन, क्या बन गया रेडियन। अब ऐसे ही अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट, तो सबसे पहले जो मिनट वाला पोर्शन है उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, और मिनट से डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, तो माइनस 47 डिग्री तो आपके पास ये कंप्लीट पूरा डिग्री है, तो माइनस 47 डिग्री वैसे क्या वैसा 30 मिनट को बदलना है आपको डिग्री में, तो 30/ क्या लिखेंगे बेटा 60, यहाँ 0 से 0 काट देंगे तो 3 1 3 3 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ आएगा माइनस का 47 और यहाँ आएगा 1/2, 47 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा 47 का 2 से गुणा कराओ यहाँ पर 47 गुणा 2 हो जाएगा, तो 7 2 14 2 8 94 और 1 प्लस कर दो कितना हो गया 95, तो -95/2 डिग्री, ये क्या हो गया डिग्री। अब इसको रेडियन बदलना है, तो रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा पाई से गुणा और 180 से भाग कर देंगे, तो पाई से गुणा और 180 से भाग कर दिया, अब 5 से इसको काटोगे तो 19 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटो 5 15 5 6 30 हो जाएगा, अब कटेगा नहीं तो वैसे का वैसा लिख दो तो हो जाएगा माइनस का 19π/2 में कितना हो जाएगा इससे इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और ये क्या बन गया बेटा रेडियन, क्या बन गया रेडियन। तो आपको हमेशा याद रखना है जो भी मिनट वाला मान होगा सबसे पहले उसको काय बदलेंगे डिग्री में, और मिनट से डिग्री बदलने के लिए क्या करना है 60 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगला नंबर क्या क्वेश्चन है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर है तीसरा आपके पास 240 डिग्री, तो 240 डिग्री तो ये पूरा कंप्लीट डिग्री है, ना कोई मिनट है ना कोई सेकंड है, तो इसमें क्या करेंगे सीधा सीधा इसको रेडियन में बदलने के लिए, तो 240 में क्या करेंगे पाई से गुणा और 180 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे 6 4 24 6 3 18, ये कितना हो जाएगा 4π/2 में कितना हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा बेटा रेडियन, क्या हो जाएगा आपके पास रेडियन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास 25 डिग्री, कितना दे रखा है 25 डिग्री, और डिग्री से रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं बेटा पाई से गुणा और 180 से भाग कर देंगे, तो 5 से इसको काटेंगे 5 से इसको 5 से 5 बार कट गया, 5 से एक बार कटेगा 5 और फिर कितने बार 36 बार, तो ऊपर आ जाएगा बेटा 5π और नीचे आ जाएगा आपके पास 36, और ये क्या हो जाएगा रेडियन, क्या हो जाएगा आपके पास रेडियन हो जाएगा। ऐसे इस वाले 5 वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे पाई से गुणा कर दो और 180 से भाग कर दो, 0 से 0 काट दो, 2 से काटेंगे 26 बार और 2 से ये कटेगा क्या बार बेटा 9 बार, तो ऊपर आ जाएगा 26π और बटे में आएगा 9 और ये क्या बन जाएगा बेटा रेडियन बन जाएगा, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई से गुणा और 180 से भाग कर दें, ये बात आप याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है आपके पास, रेडियन माप को डिग्री माप में बदलिए, तो रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने का मतलब क्या है समझिए, रेडियन में से डिग्री में जब भी बदलेंगे तो कंप्लीट डिग्री जो आ जाए वो तो ठीक है, लेकिन बचा हुआ जो भी फ्लेक्सिबल पार्ट होगा, जैसे फ्रैक्शन में कोई भी नंबर बचा जैसे 1/3 बचा, और ये डिग्री है, क्या है डिग्री, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर मिनट में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर बचता है फिर भी फ्रैक्शन वैल्यू बचती है, फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो पहला नंबर है 6 रेडियन, कितना है आपके पास 6 रेडियन, तो 6 रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है, तो रेडियन को जब भी हम डिग्री में बदलते हैं तो हमारा काम क्या होता है बेटा, अभी हम पाई से गुणा 180 से भाग कर रहे थे, अब क्या करेंगे 180 से गुणा और पाई से भाग करेंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अब क्या लिखेंगे बेटा 6 गुणा 180,
अभी पाई का मान लिखते थे हम 22/7, तब पाई ऊपर लिखा होता था, अब नीचे लिखा है तो क्या लिखेंगे 7/22, क्या लिखेंगे 7/22, उल्टा लिखा हुआ तो उल्टा ही तो मान लिखा जाएगा, तो उल्टा लिखा है तो उल्टा मान लिखा है। अब दो से काटो, कई बार कटेगा 11 बार, दो से काट दो 3 बार, तो ऊपर क्या आ जाएगा, जहां जहां गुणा कराएंगे कितना आएगा 540 आ जाएगा, गुणा 7 से कराएंगे तो 7 आएगा, बटे में कितना आएगा 11। अब 7 का गुणा यहाँ कराओ 0, 7, 28, 7 × 35, 35 × 2 कितना होता है 37, और बटे में कितना आएगा 11। अब ये पूरा डिग्री है, लेकिन डिग्री में हमेशा कंप्लीट कंप्लीट वैल्यू में चलेंगे, तो 11 का इसमें डिवाइड दो तो कितनी बार जाएगा कैसे देखो, मैं तुम्हें यहां बता रहा हूँ, 11 का डिवाइड करेंगे हम 3, 7, 8, 0 में, तो 11 × 33 हो जाएगा और ये कितना बचेगा 4, ठीक है बेटा। अब यहां से 8 उतार लो, ये हो गया 48, 11 × 4 हो जाएगा 44, और 44 के बाद बचेगा यहाँ 4, यहां से उतार लो 0, ये उतर आया, फिर से 11 × 33, अब कितना बचा यहाँ पे 7, तो ये 343 तो हमारे पास फिक्स वैल्यू आएगी, 343 डिग्री तो हमारे पास फिक्स है जितना, तो हम यहाँ लिखेंगे 343 तो हमारे पास फिक्स डिग्री वैल्यू है, और फिर क्या बचेगा हमारे पास 7/11, तो हम यहाँ लिखेंगे 7/11। अब ये डिग्री हो गया, अब इतना हमारे पास मान आ गया, लेकिन अभी ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है अभी इसको हम कन्वर्ट और आगे तक करेंगे, तो अभी हमने लिखा है कितना है 343 डिग्री तो हमारे पास है, प्लस 7/11 ये डिग्री है, अब डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, काय में करेंगे मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर देते हैं गुणा कर दे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अब जहां 60 का गुणा कर दिया तो 343 डिग्री तो ये वैसे का वैसा रहेगा, प्लस अब जहां को जहां गुणा कर दो कितना आएगा 420, और बटे में कितना आएगा 11, ये क्या है मिनट। अब ये 420 में 11 का भाग करो, तो 11 का भाग हम जब 420 में करेंगे तो कितना आएगा 11 × 33 हो जाएगा, 11 × 44 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 × 33 हो गया, अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से कैरी लेंगे 9, ठीक है, अब यहाँ से 0 डाल दिया, 11 × 8 कितना हो गया 88, अब यहाँ कितना बचेगा 2, ठीक है 38 मिनट तो हमारे पास फिक्स वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 343 डिग्री वैसे का वैसा, और प्लस कितना आएगा 38 मिनट, और प्लस अब क्या बचा आपके पास 2/11 मिनट, अब ये 2/11 मिनट बचा है, अब इसको हम टाइम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करेंगे 60 से, तो ये अब क्या हो गया सेकंड, और सेकंड में डबल डैश लगाते हैं, दो डंडी को लगाते हैं, रख दिया, तो ये कितना आया बेटा 343 डिग्री 38 मिनट, ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा सेपरेट। अब क्या होगा जी, कितना आ जाएगा 120, और 120 में कितने से भाग करना है 11 से, तो 11 × 11 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपके पास बेटा 1, और यहाँ से 0 उतार लो, अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो गया 10 सेकंड फिक्स मिल गया हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे 10 सेकंड, अब जहां से आगे हम कोई सॉल्व करेंगे नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो जब भी आपको रेडियन वाला मान बदलना होगा तो क्या करेंगे 180 से गुणा पाई से भाग करेंगे, पाई उल्टा लिखा होगा तो 7/22 लिखा जाएगा, जो कटे उसको काट दो फिर मल्टीप्लाई कराओ 11 नीचे आएगा, 11 का इसमें डिवाइड करा तो इतना आ गया, तो 343 तो हमारे पास कंप्लीट डिग्री आ गया, वो हमने अलग लिख दिया, अब 7/11 जो डिग्री बचा है उसको मिनट में बदलने के लिए 60 मिनट से गुणा कर दिया, फिर से हमने यहाँ जान गुणा करो तो 420 आ गया, फिर 11 का हमने इसमें भाग करा तो 38 मिनट अलग आ गया, 2/11 मिनट बचा, और 2/11 मिनट को हमने सेकंड में बदला, सेकंड में 60 से फिर कर लिया, फिर दोबारा से भाग करा 11 से तो 10 सेकंड हमारे पास आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 343 डिग्री 38 मिनट और 10 सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें बेटा, 11/16 आपको दे रखा है और ये आपको रेडियन वैल्यू दे रखी है, आपको डिग्री कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे आप 180 से गुणा करेंगे बेटा और पाई से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यही तो आपका काम होगा, तो आप क्या लिखेंगे 11/16 वैसे के वैसे, 180 वैसे का वैसा, पाई जब नीचे लिखा होता है तो क्या होता है 7/22 होता है, क्योंकि पाई अपोजिट लिखा है, उल्टा लिखा है तो उल्टा ही वैल्यू लिखा जाएगा। अब यहाँ कन्वर्ट करो, 11 से इसको काटेंगे तो 2 बार ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 2 से इसको काटे तो कितना आएगा 90, और 2 से इसको काटेंगे 45, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 8, अब कोई नंबर कटेगा नहीं, तो ये कितना होगा 7 × 5 = 35, और 7 × 28, और 3 कितना हो जाएगा 31, और बटे में कितना आएगा 8, अभी ये डिग्री है, अभी ये कंप्लीट डिग्री तो है नहीं, अब 8 का इसमें भाग दो, 8 का अगर हम इसमें भाग दें 315 में तो कितने बार जाएगा 8 × 24, 8 × 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 × 24 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा बेटा 7, यहाँ से उतार 75 हो गए, तो 8 × 9 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा बेटा, तो यहाँ कितना बचेगा 3, तो ये कितना हो गया 39 डिग्री कंप्लीट वैल्यू हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 39 डिग्री तो कंप्लीट वैल्यू है हमारे पास, अब बचा क्या हमारे पास 3/8, और इसको हम लिख देंगे 3/8, अब ये पूरी डिग्री वैल्यू में हो गया।
अब हम क्या करेंगे, अब ये जो डिग्री वाली वैल्यू है ये कम फ्रैक्शन वाली है, फ्रैक्शन में लिखी है उसमें क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 39 डिग्री वैसे का वैसा प्लस 3/8 गुणा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब डैश लगाना पड़ता है, एक डैश। अब जाकू काटो ये कटेगा दो बार, और जहां से काटोगे तो ये कटेगा 30 बार, और जहां से काटोगे ये 15 बार, और जहां काटोगे तो ये दो बार आ जाएगा बेटा। तो ये आएगा 39 डिग्री वैसे का वैसा, जाकू यहाँ पे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 45 बटे में कितना होगा 2। अब इसका इसमें भाग दो तो ये कितना होता है, जहां भाग देंगे तो 22 × 44 होता है, एक ही तो बचेगा, तो 22 मिनट तो कंप्लीट हो जाएगा। अब बचेगा 1/2, ठीक है। अब 1/2 को काय में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 सेकंड से गुणा कर देंगे या प्लस लगा दो, तो ये हो गया 39 डिग्री तो कंप्लीट है। फिर बाद 22 मिनट भी आपके पास कंप्लीट है। अब बचा क्या आपके पास, इसका इससे गुणा करो तो कितना, 2 से इसको काटो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30, और 30 सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 सेकंड, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये चार्ज माइनस का रेडियन है बेटा, यहाँ माइनस लेके आप चलना, सॉल्व ऐसे ही करना है आगे तक। अगला जो पॉइंट है आपके पास 5π/3 रेडियन, 5π/3 रेडियन को कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही 5π वैसे का वैसा बटे 3 आएगा, क्या करेंगे 180 से गुणा और पाई से भाग करना, पाई से पाई कट जाएगा काट दिया, 3 से इसको काट दो क्या बार कट गया 60 बार, और 5 का गुणा इसमें कर दो ये हो गया 300 डिग्री। ये तो बहुत सरल सवाल था, खत्म हो गया, इसमें भाग वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।